जैपनीज इंटरप्रिटेशन, क्या होता है सही तरीका और क्या होता है इसका असली मतलब, और आप कैसे बेस्ट जैपनीज इंटरप्रेटर बन सकते हैं, आइए इस वीडियो से हम सीखेंगे। वेलकम टू निहोंगो मैक्स, मेरा नाम है रवि, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि लोग क्या सोचते हैं। लोग यूजुअली ये सोचते हैं कि जैपनीज इंटरप्रेटर वो होता है जिसको जैपनीज आती है, जिसके पास कोई डिग्री होती है JLPT या फिर उसने जैपनीज लैंग्वेज कहीं से सीखी हुई है और बस वो इंटरप्रेटर बन गया। ऑब्वियसली ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो इंटरप्रेटर बन जाते हैं, लेकिन उसमें और आप में या एक बेस्ट इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस होता है, आप वो कैसे बन सकते हैं, इसको पहले हम समझते हैं, इससे पहले हम कुछ सीखते हैं। सबसे पहली बात, इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, यूजुअली कहा जाता है इंटरप्रिटेशन जो है वो वर्बल ट्रांसलेशन होती है किसी लैंग्वेज से किसी और लैंग्वेज में। ऑब्वियसली ये बात सही है, लेकिन असल में एक्सपर्ट इंटरप्रिटेशन या असली इंटरप्रिटेशन क्या होती है और आप वो कैसे बन सकते हैं, चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपने जैपनीज लैंग्वेज सीखी है। देखिए, सबसे पहले तो जैपनीज लैंग्वेज सीखना, उसको बहुत ही अच्छी तरह से सीखना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर किसी इंस्टीट्यूट से जैपनीज लैंग्वेज सीखी है, आपने JLPT क्लियर किया हुआ है, आपने ऑब्वियसली अगर आप इंटरप्रेटर हैं तो आपने इंटरव्यू भी क्लियर किया हुआ है और उसके बाद आप इंटरप्रेटर बन गए हैं, तो ये समझाने की तो कोई बात ही नहीं है कि आपको पहले जैपनीज लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद आप लैंग्वेज को सीख के उसको इंटरप्रेट करिए, इंग्लिश से जैपनीज में कन्वर्ट करिए। ये तो सिखाने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ही यही होता है कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। और अगर आपको स्टिल अभी भी जैपनीज लैंग्वेज सीखनी है और पूरी तरह से इसको कंप्लीट करके इंटरप्रेटर बनने का टारगेट बनना है करना है तो आप सबसे पहले, मैंने जैसे YouTube पर बहुत सारे वीडियोस 70 से 75 वीडियोस ऑलरेडी डाल दिए हैं किस तरह से जैपनीज लैंग्वेज सीखें, किस तरह से आप पार्ट्स में डिवाइड करके क्या क्या टेक्निक्स होती हैं आप सीख सकते हैं जैपनीज लैंग्वेज, और ऑफ कोर्स nihongomax.com जो कि पूरी तरह से कंप्लीट वेबसाइट है जिस पर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल एंड तक पूरी जैपनीज लैंग्वेज को कवर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जैपनीज स्टूडेंट से एक एक्सपर्ट इंटरप्रेटर कैसे बना जाए। देखिए, सबसे पहली बात कि जैपनीज लैंग्वेज सीखने के बाद इंटरप्रेटर जो होता है वो असली इंटरप्रेटर तब बनता है जब उसको एक्सपीरियंस आता है। अगर आप 5 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास तो मैं कहूँगा गुड, और अगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है तो मैं कहूँगा आप बेस्ट इंटरप्रेटर बन सकते हैं। तो बात सारी एक्सपीरियंस की है। एक्सपीरियंस हैज़ नो शॉर्टकट, एक्सपीरियंस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कहने का मतलब कि अगर मैं सच बोलूँ तो असली में वीडियो यहीं पर ख़त्म, क्योंकि सारी बात यही है कि पहले आप जैपनीज लैंग्वेज सीखें और फिर आप एक्सपर्ट इंटरप्रेटर बने। लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, मैं उन पॉइंट्स में आपको कुछ पॉइंट्स में कवर करके बताता हूँ कि जैपनीज इंटरप्रेटर असली में क्या होता है। ऑलराइट, पॉइंट नंबर 1, असल में ये कहा जाता है, मैंने भी अपने सीनियर से अपने टीचर से ये सीखा है, सुई अकवा तान नारू कोतोबानो हिंकान देवानाखते हनाशी नो नाइयो तो कोकोरोगा आईतेनी स्तावाता का दोका देस। इसका ये मतलब है कि इंटरप्रिटेशन सिर्फ एक कन्वर्जन ऑफ वर्ड्स नहीं है, वर्ड्स को कन्वर्ट करना ही नहीं है, बट एक्चुअली ये कन्वेंस है, यानी कि अपनी फीलिंग्स और अपने पर्पस को कन्वे कर पाना, जो भी लैंग्वेज बोली जा रही है उसको उन टारगेट्स के साथ उन फीलिंग्स के साथ कन्वे कर पाना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जापानीज लैंग्वेज में एक एक्सप्रेशन होता है कुकियो योमू। कुकियो योमू का मतलब होता है, कुकी का मतलब होता है एयर और योमू का मतलब होता है रीड करना, यानी कि टू रीड द एयर। लेकिन हिंदी या इंग्लिश में कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन नहीं है जो कि इस चीज़ को मैच कर पाए। इसका जापानीज में मतलब होता है कि माहौल को समझना, उसके हिसाब से बोलना, उसके हिसाब से एक्टिविटी करना। लेकिन क्योंकि इंग्लिश या हिंदी में कोई इसका पैरेलल्स एक्सप्रेशन नहीं है तो हमें वर्ड्स को कम्प्लीटली चेंज करना पड़ता है। और ये परफेक्ट एग्जाम्पल है ये समझने के लिए कि कभी कभी इंटरप्रिटेशन में आपको उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट ना करके उस इंटेंट को ट्रांसलेट करना पड़ता है। आपको सिनेरियो के हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से और क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कभी कभी अपनी लैंग्वेज को चेंज करना पड़ता है। ये है असली इंटरप्रिटेशन का, असली एक्सपर्ट इंटरप्रेटर का पर्पस। पॉइंट नंबर 2, समटाइम्स यू हैव टू। इसका ये मतलब है कि कभी कभी आपको सच में इंटरप्रिटेशन वैसी वैसी ही करनी पड़ती है जैसी जैसी वो हो, एज इट इज, पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड टू वर्ड। यानी कि इसका ये मतलब है कि आपको वहां पर लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, आपको कंट्रोलर नहीं बनना है, क्योंकि आप कंट्रोलर नहीं है, ओनली आप इंटरप्रेटर हैं।
लेकिन मैंने कई बार देखा है इस बैलेंस को कुछ लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग घबरा जाते हैं या फिर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर वो लिमिट को क्रॉस कर देते हैं, वो इंटरप्रिटेशन की डेविएशन में चले जाते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स का बैलेंस बनाना, पॉइंट नंबर वन और पॉइंट नंबर टू का बैलेंस बनाना कि कब असली इंटरप्रिटेशन करनी है, कब असली सिर्फ कन्वर्जन करना है वर्ड्स का, ये बड़ा ही मुश्किल होता है। और इसी मुश्किल को हम मैंने जो बोला था कि एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस ही मैटर करता है, यही चीज़ एक्सपीरियंस सिखाती है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इन्हीं पॉइंट्स में ही पूरे एक्सपीरियंस को कवर कर पाएँ। थर्ड पॉइंट है, ये सबसे बिगेस्ट, सबसे पावरफुल और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आपको बेसिकली क्योंकि देखिए ये पॉइंट जो है वो मोरलेस पर्सनैलिटी से लेना देना होता है इसका, क्योंकि पर्सनैलिटी से ही कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस से ही परफॉर्मेंस आती है और परफॉर्मेंस का मतलब ही सक्सेस होता है। लेकिन असली में पर्सनैलिटी या कॉन्फिडेंस या परफॉर्मेंस या फिर सक्सेस का मतलब क्या होता है? देखिए मैंने हमेशा से अपने सीनियर्स को देखा है, अपने टीचर्स को देखा है जो इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो इतनी परफेक्ट इंटरप्रिटेशन करते थे और उसके बाद भी वो बिल्कुल बिल्कुल हम्बल रहते थे, बहुत ही केयरफुल रहते थे, बहुत ही दूसरों के प्रति केयरिंग जिसको कहते हैं, दूसरों के प्रति आदर सम्मान जिसको कहते हैं। उनसे असली चीज़ मैंने ये सीखी है कि किस तरह से आपको कॉन्फिडेंस और सक्सेस का बुखार नहीं चढ़ जाना चाहिए, आपको किस तरह से हम्बल रहना चाहिए, हमेशा एक लेवल, एक बैलेंस, एक कम्युनिकेशन लेवल मेंटेन करके रखना है। ये भी एक इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली ही एक्सपीरियंस के साथ सीख जाता है। मैंने जब स्टार्टिंग में हमेशा से मेरे अंदर मेरे माइंड में इंप्रेशन था कि जब पर्सनालिटी कॉन्फिडेंस होगा, यानी कि आपके पास बड़े बड़े लाइक जैसे शूज़ हैं, वॉचेज़ हैं, अच्छे अच्छे कपड़े हों, पर्सनैलिटी हो, तो इन्हीं चीज़ों से मैटर करता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी जाएगी। लेकिन ये जो चीज़ें जो मैंने अपने सीनियर से सीखी हैं, मैंने अपने टीचर से सीखी हैं, ये अनकम्पेरेबल है, इनका कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता, इनको कोई सिखा नहीं सकता, इनको कोई दवाई की तरह नहीं दे सकता, ये आपको सीखनी ही पड़ती हैं। और दूसरी बात कि आपका खुद का हार्ट भी, आपका खुद का माइंड भी, आपकी खुद की सोल भी ऐसी होनी चाहिए कि आप इन चीज़ों को सीख पाएँ। ऑब्वियसली नो वन इज़ परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं होता एंड नो वन कैन बी, कोई बन भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम पूरी पूरी कोशिश कर सकते हैं कि हम धीरे धीरे, चाहे एक साल हो, चाहे दो साल हो, तीन साल हो, चार साल हो, या फिर दो हफ्ते हो, तीन हफ्ते हो, चार हफ्ते हो, धीरे धीरे करके इन चीज़ों तक हम पहुंच पाएं। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो डे वन से इसी तरह से परफॉर्म करना शुरू कर देता है और जो नहीं कर पाते वो हमेशा हमेशा स्ट्रगल ही करते रहते हैं। तो बस यही तीन पॉइंट्स को अगर हम अपने साथ लेके चलें और अपनी जापनीज लैंग्वेज में भी इन चीज़ों को अप्लाई करके चलें और कोशिश करें कि हमें लैंग्वेज के साथ साथ इंटरप्रिटेशन भी हम पैरेलली सीख पाए, मेरी पूरी कोशिश है। nihongomax.com पर भी और YouTube पर भी मैं आपको पूरी तरह से ट्रेनिंग करने की कोशिश करता हूँ कि आपको पैरेलली सीखने के तरीके और साथ साथ उसको अप्लाई करने के तरीके पैरेलली आप सीख पाएँ, कोई चीज़ सीरीज में ना हो। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू सो मच।